नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक दो घंटे पढ़ाई करते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर मोबाइल यूज करने लगते हैं, फिर दोस्तों के साथ आउटिंग करने चले जाते हैं, इस तरह के सवाल रहते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि पांच चीज़ें मैं बताने वाला हूं, और वो पांचों चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्वालिफाई न कर पाए, क्योंकि हर एग्जाम के लिए आपको अनलिमिटेड पढ़ाई करने की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। और बिना पढ़ाई के आप अगर सोचते हो कोई एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे तो ऐसा असंभव है, ये पहले मैं बता दे रहा हूं। पहली चीज ये है कि जैसी आपकी संगत होती है वैसी आपकी सोच हो जाती है, जिस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है ठीक उसी तरह की आपकी सोच हो जाती है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ मिलोगे जो हमेशा आपको नेगेटिवली बताते हैं कि यार एग्जाम टफ है, कैसे होगा, पढ़ाई नहीं होगी, चलो घूम आते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, क्रैक क्या होगा एग्जाम में, तो बहुत हाई फाई है, इस तरह के लोगों के साथ रहेंगे तो आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा, इसके विपरीत अगर आप देखिए तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गोल ओरिएंटेड होते हैं, हमेशा पढ़ाई करते थे, आप उनको देखें तो अपने टाइम का यूज़ करते हैं वो, इस तरह के लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप भी उनके साथ में चलने लगेंगे। जैसा होता नहीं कि भेड़ की चाल में अगर एक भेड़ बीच में आ जाए और सारी सक्सेसफुल भेड़ है तो सारी भेड़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं, एक भेड़ के साथ में सारी भेड़ें सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक इसी तरह से है कि जिस तरह की आपकी संगत होगी उस तरह के आप हो जाएंगे। दूसरा ये है, आप लोग आजकल तो रील का जमाना चल रहा है, मैक्सिमम बच्चे ये है कि आजकल रील ज़्यादा देख रहे हैं और पढ़ाई पे कम फोकस कर रहे हैं, 90% टाइम आप रील में बर्बाद कर रहे हो, 10% टाइम आप स्टडी को दे रहे हो। रील आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकती है, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है ही नहीं, फिर भी आप उसके लिए 90% टाइम दे रहे हो। और आजकल के बच्चे भी हैं जो कोटा में जा रहे हैं, कहीं कोचिंग में जा रहे हैं, वो वहाँ से रील बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिए हैं, ये सब आपको इनिशियल लेवल पे हल्का फुल्का फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन ये आपका गोल नहीं है। आप ये सोचते हैं कि ये आपका गोल है, आपका गोल हो ही नहीं सकती, तो ये चीजों को आप अवॉइड करिए। मोबाइल में 10% और 90% आपको स्टडी में करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। तीसरा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेगेटिव सोच रख के चलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं तो नेगेटिव सोच कि यार एग्जाम में क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, या फिर इस तरह की सोच अगर आप पढ़ाई के दौरान कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई धीरे 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 वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी आपके दिमाग में बढ़ जाएगी। तो अगर आप 5 घंटे पढ़ते रहोगे तो 5 की जगह पे 4 होगा, 4 की जगह पे 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, उसके बाद पढ़ना ही बंद कर दोगे। लेकिन यही अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, आप ये सोचोगे कि हाँ मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है, मैं क्रैक कर सकता हूँ, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, ये सारी सोच रहेगी तो आपकी 3 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कन्वर्ट हो सकती है, ये जरूरी है। चौथा, बच्चों का ये मेन रहता है कि वो अपने गोल के प्रति सजग नहीं रहते, उन्हें पता भी नहीं रहता कि उन्हें करना क्या है। अगर आप किसी चीज के प्रति, अगर आपको नहीं पता है कि हमें करना क्या है, तो कम से कम उसका इनिशिएशन तो करिए। जैसे मान लीजिए आपको नीट क्वालिफाई करना है या फिर IAS क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले IAS का प्राइमरी लेवल तो आप स्टार्ट करिए, उसके बाद राहें खुलती चली जाएंगी। जो लैक ऑफ गोल जिन बच्चों का साथ रहता है उनकी भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो आपको गोल बनाना है, इनिशिएशन करना है, शुरुआत तो करो, कम से कम शुरुआत जहां करोगे वो एंड आपका बहुत अच्छा होने शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप अगर यूज करोगे तो 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। मोबाइल में 10% आप दीजिए, मोबाइल का अच्छा भी यूज हो सकता है, अगर आप चाहें तो मोबाइल से बहुत अच्छे अच्छा नॉलेज आप ले सकते हैं, बस सकते हैं कि 90% अगर आप रील देखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा ये कि जैसी संगत वैसे ही आपकी सोच, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जो बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं उनके साथ रहिए, उनके साथ आप लपेटे में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तीसरा, आपकी सोच और गोल होना चाहिए कि हमें करना क्या है। चौथा, आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए और अपने गोल के प्रति सजग रहिए, और यही मान के चलिए कि मैं सक्सेस को प्राप्त करके रहूँगा। ये सोच अगर आपकी दिमाग में आ गई तो 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि जो सक्सेसफुल होते हैं वो भी पढ़ाई के दम पे होते हैं, अल्टीमेटली आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक और शेयर जरूर करें, मैक्सिमम बच्चों को ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उनका फ़ायदा हो सके।